इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन हाउ डाइवर्सिफिकेशन कैन हेल्प आस इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस तो इट इज़ बिलीव्ड एंड इट इज़ ऑब्जर्व एंड इट इज़ कैलकुलेटेड ऑल्सो कि अगर आप डाइवर्सीफाई करते हैं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो कम हो जाता है तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड विच वी फॉलो और अगर आप एक तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने कोई भी पॉसिबल रिस्क एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए या कट डाउन करने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर आप उसकी कॉस्ट को कंसिडर करें अगर आप पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट को अगर आप इंश्योरेंस बाय करते हैं तो पोर्टफोलियो की जो इंश्योरेंस है पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के इंश्योरेंस के ऊपर जो आपको कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी दैट वुड बी ऑलवेज़ बॉलर एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक या दो डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको सेपरेटली आप इंश्योरेंस तो तो पे uh, की, की करते हैं उनका तो दिस हेल्प्स यू डाइवर्सिफिकेशन नॉट ओनली हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग योर एक्सपोजर टू रिस्क इट आल्सो हेल्प्स यू इन कटिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस तो एग्जाम्पल के तौर पर हम वही अपनी मेडिसन की इन्वेस्टमेंट की एग्जाम्पल को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं सपोज आप एक वन डॉलर को किसी ड्रग के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और आपने दो तरह के ड्रग्स के स्टॉक्स बाय किए हैं दोनों की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेपरेट फी पे करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप पूरे का पूरा पोर्टफोलियो ले लेते हो जिसमें आप मल्टीपल तरह की प्रोडक्ट्स के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को आप कंसिडर करे हो और उसमें एक पोर्टफोलियो बना के आपने एक पोर्टफोलियो के तौर पर इन्वेस्टमेंट की है तो फिर आपको पूरे पोर्टफोलियो की सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी पड़ेगी और जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हो और जब आप दो इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय करते हो तो नेचुरली विल हैव टू पे मोर मनी फॉर इंश्योरेंस इफ़ यू आर बोरोइंग बाइंग टू पॉलिसीज फॉर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपने पे करना है तो वो हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर आप पूरे पोर्टफोलियो की एक पॉलिसी बाय कर लेते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन ना सिर्फ के हमें लॉसेस के एक्सपोजर से बचाती है रिस्क के एक्सपोजर से बचाती है बल्कि आपके जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है उसको भी कट करने में मदद देती है